मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां एक और कहते हैं कि सभी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाए जाएंगे, ऐसे में शाजापुर विद्युत विभाग के आला अधिकारी उनकी योजनाओं को पालीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने SDM को ज्ञापन सौंपकर सतगांव में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। दरअसल शाजापुर में कलेक्ट्रेट कार्यालय में विद्युत विभाग हाई हाई के नारे के साथ में बड़ी संख्या में सतगांव के ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि वहां विगत कई महीनों से विद्युत कटौती से परेशान है। गाँव में ना तो बिजली मिल रही है और ना ही नया ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। हम आज कलेक्टर ऑफिस में काय को आया है, हम इसका लिए आया कि हमारा बाल बच्चा उन्हें बहुत दुखिया और बहुत यूँ कह दो कि आखिर रात बिल्कुल भागा भागा भरे बेचारा उन्हें, तो क्या करा नहीं? वह नानी सिख डीपी लगाए तो वह तो 8-15 दिन भी नहीं चले, जल जाए है और कुछ भी कहीं नहीं, हमारा क्या पंखा चल जाए नहीं, हमारा उजाला रहे नहीं। यहाँ पर ऐसा क्या है सर कि लाइट के हिसाब से आए हम, लाइट बिल्कुल नहीं हमारे सतगाँव में है। 25 की DP आती है, 2-4 दिन चलती है और फिर जल जाती है, और 15-15 दिन 20-20 दिन नहीं सुनते हैं, और महीने का बिल आता है सर कोई 2,000 कोई 3,000 ऐसे बिल बताते हैं सर, गरीब आदमी कहाँ से भरे। फिर हमने बहुत से बार इनसे निवेदन भी किया, साहब से भी किया, सबसे किया, बोले कि हमारे को 63 की DP ला दो। आज का ही DP का बोला है कि आप जो 10% राशि बकाया रहती है उस पर जो होता है बकाया पर 10% उस पर 9,000 घट रहे हैं, हम अभी 2 बजे तक जमा करवा देंगे उसको, ये सब बोल रहे हैं। और उनने बोला कि अभी 25 की लगेगी, 63 की 3 दिन बाद लगेगी, पर हम लोग यहाँ से नहीं जा रहे जब तक 63 की DP लगेगी, जब भी यहाँ से सभी लोग जाएंगे। और 9,000 भी अभी सभी ने बोला है कि मैडम नीचे नहीं आई, ऊपर ही हमने ज्ञापन उनके ऑफिस में जाके दिया।